पूर्णिया मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर चूनापुर घाट पर शवदाह बनाए जाने को लेकर समाज ने जिम्मेदारी उठाई है। कारीकोशी नदी के तट पर अव्यवस्थित ढंग से शव जलाने का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। कहीं भी कोई भी चिता का दाह संस्कार कर देता है और वहां से गंदगी प्रदूषण जैसी परेशानी से गाँव वालों को सामना करना पड़ता है। इस घाट पर चूनापुर पंचायत गवासी पंचायत की बड़ी आबादी के साथ साथ पूर्णिया शहरी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी दाह संस्कार करने पहुंचता है। शवदाह को लेकर लंबे समय से वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण कुमार राय की पहल पर गांव वाले और जिम्मेदार लोग मांग करते आ रहे थे, लेकिन इनकी मांग किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद अब गांव वालों ने खुद से इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए शवदाह निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। घाट के समीप ही समाज के जिम्मेदार लोगों ने बैठक कर निर्माण के लिए कमेटी गठित की, जिसमें बतौर अध्यक्ष श्याम राय को चुना गया। दरअसल श्याम राय माधव राय के भाई हैं, जिन्होंने अपने भाई की 21 डिसमिल जमीन गांव में शवदाह बनाने के लिए दान दिया है। चुनापुर वन भाग के मुखिया अशफाक आलम ने वादा किया था कि जमीन मुहैया होने के बाद वो अपने कोष से 3 माह में निर्माण कार्य संपन्न करवा कर इलाके के लिए शवदाह देंगे। इसके लिए 15 वित्तीय योजना का फंड भी मुखिया जी के पास उपलब्ध है। चूनापुर के वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण कुमार राय ने बताया कि इसके लिए सर्वसहमति से एक समिति गठित की जा रही है, जिसमें सभी जिम्मेदार शामिल होंगे और समाज के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। गठित समिति में भूमिदाता श्याम राय, वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण कुमार राय के अलावा स्थानीय मुखिया अशफाक आलम, दिगंबर संजीव झा, सतीश चंद्र गुप्ता, नीरज मिश्रा, राकेश कुमार गुप्ता, देवानंद राय, नीरज राय, राजीव राज सहित दर्जनों सक्रिय सदस्य शामिल हुए। आने वाले 3 माह में शवदाह बनकर तैयार हो जाने की संभावना जता रहे हैं। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। इस क्षेत्र के लिए शवदाह तो बहुत आवश्यक है। आप भी देख सकते हैं, जहां तहां लोग आते हैं, टाउन के भी लोग आते हैं, बगल का गाँव गुवासी है, वहाँ भी बहुत हिंदू बसे हुए हैं, वहाँ के भी लोग आ जाते हैं और जहाँ तहाँ सब जलाते हैं, गंदगी फैलता है, पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए शवदाह गृह इस पंचायत के लिए बहुत आवश्यक है, या यूँ कहा जाए अति आवश्यक है। और इसको बनाने के लिए हमें ग्रामीणों ने आज से 5 साल पूर्व भी लोगों ने प्रयास किया था, आप अपना बकास जमीन है यहाँ दीजिए, और उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने स्वच्छ हृदय और निष्पक्ष रूप से अपना 21 डिसमिल जमीन, जो हमारे पिताजी के नाम से इंद्राज है, उसको दान करता हूँ इस शवदाह को बनाने के लिए। और हमारे मुखिया जी ने हमें आश्वासन दिया है, जो अगर आप दान करेंगे तो मैं 3 महीने के अंदर में शवदाह बना दूँगा। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आसपास के कई सारे पंचायत आते हैं, चुनापुर है, गोवासी है, या फिर आप कह सकते हैं सब सबसे बड़ा पंचायत तो अभी आपका शहर है, जो शहर आगे बचा हुआ, शहर के समझिए जो मतलब आप आरनसा चौक से पश्चिम जितना हिंदू बस्ती है, वो सभी यहीं आकर के अपने सब को जलाते हैं। कप्तान पुल की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भी बहुत अधिक रहती है और व्यवस्था भी उस तरह का नहीं है। यहाँ पर छिछला है, नदी का किनारा जो है ना, वो छिछला है, वहाँ पर शार्प है, तो इसलिए वहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते हैं, डूबने का आशंका रहता है। यहाँ तो आप थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाएंगे, कितनी आबादी होगी जिनको ये असुविधा आपकी तरफ से मिल जाएगी? हमारे समझ से 20-25 हज़ार आबादी होगी जरूर। हाँ, परिचय बता दें। मेरा नाम श्याम राय, पिता स्वर्गीय सत्यनारायण राय, और ये ज़मीन अभी हमारे भाई साहब श्री माधव राय एडवोकेट के नाम से बना हुआ है, जो खतियान उन्हीं के नाम, मतलब उन्हीं के नाम से रसीद कटता है, और उनसे हमने बात किया अभी तुरंत, जब हमारे भाई साहब श्री कृष्ण कुमार राय जी और हमारे मुखिया जी अफरोज आलम जी, ये लोग हमको बोले जो नहीं अशफाक आलम जी सॉरी हाँ तो ये लोग बोले, तो मैं पहले उनसे बात किया, तो बोले नहीं नहीं हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है, तू जाकर कह दहक। अच्छा, ये कागजी कार्रवाई कब तक होगी? कागजी कार्रवाई तो कल हो जाएगी। वैसे मुझे आप सतीश जी बोल रहे हैं जो हम कल नापी करवाएंगे, कल नापी करवावें और मैं लिखित दे दूंगा। बनने वाला है, भूमि भी दान की जा रही है, मुखिया जी भी तैयार है बनाने के लिए, क्या शवदाह बनाने के लिए कोई कमेटी तैयार की गई है? क्या प्रारूप होगा उसका, किस तरह काम करेगी कमेटी? हम लोग आपस में बैठ के
बनाएंगे और भूमिदाता श्री माधव राय जी हैं, उन्होंने दान स्वरूप दिए हैं और सब्दागृह मुखिया जी पैसे की व्यवस्था करेंगे। जमीन राज्यपाल के नाम से एग्रीमेंट रजिस्ट्री होगा दान कह के, और उसके बाद सब्दागृह हम लोग बनाएंगे यहाँ। कमिटी के तरफ से सहयोग रहेगा, निगरानी करेंगे, निगरानी हम लोग करेंगे। कमिटी जो आप लोगों की बनेगी तो किस तरह से लोगों को आपस में जोड़ेंगे, कितने लोग बढ़ के सामने आ रहे हैं जोड़ने के लिए इन चीजों में? जरूरत तो सभी को है लेकिन सब तो आ नहीं पाएंगे, तो 15 से 20 आदमी की कमिटी जो इसमें सक्रिय हाँ हाँ जो सक्रिय रहें और समय समय पे आके यहाँ पर बनवाने की कृपा करेंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम कृष्ण कुमार राय हुआ, घर चुनापुर। पास के गांव में कितनी ज़रूरत थी सब्दागृह की और क्या कुछ होने वाला है? ये बहुत ज़रूरत था, ये हमारी भी दिली इच्छा थी जब से मुखिया बने कि जिस तरह हम लोगों का कब्रिस्तान है उस तरह सब्दागृह भी होना चाहिए। ठीक है, हमने भी बहुत प्रयास किया, इन लोगों कहा भी आप लोग ज़मीन दीजिए हम सब्दागृह बनाएंगे, और श्याम बाबू का धन्यवाद देते हैं उन्होंने ज़मीन दिया और हम सब्दागृह तिमनागंदर बना देंगे। अच्छा ये बताइए सब्दागृह का फिर आप फंड कहाँ से लाएंगे? फंड हमारे पास फंड है, सरकार ने 15वां वित्त में दिया है कि हम सब्दागृह और शमशान घाट, मतलब ऐसे अनेकों योजना है जो हम कर सकते हैं। अच्छा इसको लेकर कभी कोई अधिकारियों से बात हुई है या फिर आप लोग बस ग्रामीण स्तर पर? हम ये इसमें अधिकारी जरूरत नहीं है अधिकारी से बात करने का, हम खुद मुखिया हैं, मेरे पास खुद फंड है और जमीन दाता जमीन दे रहा है, वो राजपाल नाम से एग्रीमेंट रजिस्ट्री करेगा, हम उसमें सब्दागिरी बना देंगे।